नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ ललित। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना देहात क्षेत्र के अंतर्गत स्वर्ग आश्रम रोड पर वैशाली कॉलोनी में भाई और बहनों में प्रॉपर्टी का विवाद हो गया और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पुलिस को मामला शांत करने के लिए बुलाना पड़ा। आपको बता दें कि इस वक्त प्रॉपर्टी सुनील कुमार के नाम पर है और उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर को दिखाकर भी दावा किया है कि उनसे जबरदस्ती की जा रही है। मेरा नाम सुनील कुमार है। सर, इसमें कोई दिशानी खुली हुई है इनकी? क्या मामला है ये? मामला ये है जी, ये मैंने जो है छोटे भाई रमेश से ये प्लॉट लिया 60 गज का, तो अब ये जो है इस पर कब्जा कर रहे हैं। सन 2002 का खरीदा हुआ है, हमारे पिताजी इसमें पहले भैंस बांधते थे, अब ये दोनों भाई अनुज और रमेश ये इस पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे कि ये जो है दीवार लगा दी गई है मेरे दरवाजे के अंदर। आपका बैनामा भी है इसका? ये बैनामा सर, ये बिल्कुल गेरा। सर, ये बैनामा इसमें ये भी देखना जरा, इसमें साइड खुली हुई है किसी साइड? 2002 का हुआ आया है सर, ये देखना इसमें साइड खुली हुई है किसी साइड। बता दें कि इस मामले में इनके पिता ने मरने से पहले सुनील कुमार के नाम पर बैनामा करा दिया था और अभी कुछ दिन पहले ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद अब ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इस मामले में इन लोगों को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए क्योंकि मरने से पहले ज़मीन का बैनामा जो है उनके माता पिता ने दोनों भाइयों के नाम पर कर दिया था और अब बाद में उनकी जो बहनें हैं वो इसमें अपना हिस्सा मांग रही हैं। रविता पाल, ये आपके कौन लगते हैं? बड़ा भाई है। बड़ा भाई है तो विवाद किस? सर, विवाद इस चक्कर में हमारे मम्मी पापा खत्म हो गए। एक मिनट, हमारे मम्मी पापा खत्म हो गए सर। इन्होंने कभी हमारे मम्मी पापा को ना दिखाया ना भलाया, ना कभी उनमें 2 रुपए लगाए इन्होंने, हम बहने ना कभी हमें बुलाना चलाना हमारा कुछ नहीं। तो सर, हमारे जो भाई है एक का हिस्सा तो है, उसका तो हिस्सा है, तो सर एक का नहीं है तो उसमें से हमें चाहिए। हम 4 बहने, हमें 4 का हिस्सा चाहिए सर। बता दें कि एक माता पिता की सभी बच्चों का, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, हिस्सा जमीन में बराबर होता है, लेकिन इस मामले में जो है मरने से पहले माता पिताओं ने अपने 2 लड़कों के नाम बैनामा करा दिया था। तो इस मामले में इन लोगों को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, वहीं से इनका जो है मामले का कुछ हल निकल पाएगा, कोर्ट ही इस मामले में कुछ कर पाएगा। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने पहुँच कर मामला शांत करा दिया है और आगे की कार्यवाही में पुलिस प्रशासन भी जुटा हुआ है। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार।